निकल रहा हूँ कजली मेला जो यहाँ पे लगा हुआ है वो दिखाने के लिए आप लोगों को कि झूलेंगे बाद में कभी, लेकिन दिखा देता हूँ आपको कि कौन कौन से झूले लगे हुए हैं। एक देख हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दिस इज ऋषभ पाठक एंड यू आर वॉचिंग ऋषभ पाठक ब्लॉग्स। तो फिलहाल फ्रेंड्स आज मैं जाने वाला हूँ महोबा, जो कि लगा हुआ है कजली मेला। लगना स्टार्ट हो गया था काफी दिन पहले से और अब लग चुका है एकदम। तो आज जाने वाला हूँ कजली मेला भी घूमूंगा, कुछ काम है मुझे महोबा में, तो वहीं जा रहा हूँ मैं और हेमंत के साथ जा रहा हूँ मैं। तो अभी निकला हूँ कुलपहाड़ से और बस अब पहुँचते हैं। और मैंने कजली मेला की बात की हुई है, मेरी जो फोर्थ मतलब जो चौथी वीडियो डली थी तो मैं वहीं कीरत सागर पे था और वहाँ पे मैंने बताया था कि मेला लगता है और लाखों की संख्या में भीड़ जो आती है। तो आज दिखाऊंगा कहाँ पे मेला लगा हुआ है। और कल कजली जो निकला था वहाँ पे विमान वगैरह, तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ आई हुई थी, वहाँ मैं नहीं जा पाया, कल रक्षाबंधन था इस वजह से। तो आज जाता हूँ और दिखाऊंगा आपको मेला कहाँ पे लगा हुआ है और कैसा मेला लगा हुआ, बहुत सारे उसमें झूले वगैरह बहुत सारी चीज़ें आई हैं, सब दिखाऊंगा मैं। My father told me I was timid child. At school they said I had no style. And I was dreaming to be those cool kids, but I come to fucked up my whole teenage life. तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए महोबा और अभी फिलहाल में आ गए हैं हेमंत के शोरूम, हीरो के शोरूम में। इधर आओ राहुल, और ये हेमंत का बुआ का बेटा है राहुल। तो ये अभी आया है, इसे कुछ काम है बाइक वगैरह का, तो ये करवाएगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे कजली मेला घूमने के लिए। अभी फिलहाल फ्रेंड्स मुझे एडिट भी करनी है कल वाली वीडियो, तो करता हूँ मैं एडिट और वो अपलोड भी आज ही हो जाएगी और फिर ये वाली वीडियो तो कल आएगी ही, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फिलहाल फ्रेंड्स बाबा ले रहा है चाय और चलेगी हम लोगों की चाय, बन रही है बेहतरीन अदरक वाली। आ चुके हैं बाबा के एजेंसी, तो फ्रेंड्स आ गए थे एजेंसी में और यहाँ पे सेठ भी आ गया है, ये भर रहा है फाइल। अभी क्या काम कर रहा है सेठ? फाइल भर रहा है, फाइल भर रहा है, अभी इसका काम चल रहा है फाइल भरने का। पीछे देख सकते हैं आप बैठा है बाबा, और राजेंद्र भाई की चल रही है अभी चाय, और आज ज्ञान की दुकान बंद है लेकिन चाय चल रही है। और राहुल भाई कह रहे हमें भी दिखाओ, अब हाथ तो हिला दो। ओ नाइस, वेरी गुड। तो अभी काम चल रहा है फिलहाल में तो बहुत तेज, और ये भाई का चल रहा है एंजॉय चाय के साथ। फिलहाल फ्रेंड्स बाबा आ गया अभी दाढ़ी सेट कराने के लिए, और भैया कर रहे हैं बाबा की दाढ़ी सेट, और आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन दाढ़ी सेट होती है भैया के यहाँ। एक दिन मसाज कराई थी, मसाज बहुत सही करते हैं भैया। तो बाबा की शोरूम का ऑफिस उसके बगल में ही भैया की शॉप है, तो यहाँ पे हो रही है बाबा की दाढ़ी सेट एकदम बेहतरीन वाली। तो फ्रेंड्स अभी अब मैं निकल रहा हूँ कजली मेला जो यहाँ पे लगा हुआ है वो दिखाने के लिए आप लोगों को कि कैसा कजली मेला यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ से निकलता हूँ मैं कजली मेला के लिए, जो कि पास में ये कीरत सागर पर है, तो पहुँचते हैं कजली मेले में कीरत सागर। फ्रेंड्स की कितनी भीड़ यहाँ पर आ रही है, और ये पीछे है रानी लक्ष्मीबाई चौराहा, और वहाँ से सामने तो वहाँ से यहाँ आगे तक ही बिल्कुल इसका जो मेन गेट है मैंने इस वीडियो में दिखाया, अभी भी आपको दिखाऊंगा जो यहाँ का मेन गेट है उसमें दोनों तरफ ही इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और जो मेन गेट है वो है आगे, और ये तो रोड पे ही है, और मेन मेला जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है ऊपर तालाब के घाट पर। तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको मेला, और ये देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा भीड़ आ रही है। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं कीरत सागर, अब यहाँ पे जो मेला लगा हुआ है मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत ही बेहतरीन। वाह नाइस, कितने सारे ठेले वगैरह सारी शॉप्स लगी हुई हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे साथ आया हुआ है सेठ, सेठ गुर या, अब चले जा रहे हैं हम दोनों भाई मेला घूमने के लिए। और फिलहाल फ्रेंड्स आप लोग भीड़ देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी है इधर, और ये सामने लगा हुआ है झूला, तो झूलना अभी फिलहाल नहीं झूलना है मेरे को,
झूलेंगे बाद में कभी, लेकिन दिखा देता हूँ आपको कि कौन कौन से झूले लगे हुए हैं। एक देखिए, ये बच्चों वाला है, और ये मिक्की माउस, सॉफ्टी, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है, सॉफ्टी मेले में सबसे ज़्यादा यही बिकती है। और ये भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा ही है। और आगे आ गए, अब अपन आ गए हैं ये मेला पे, मेला दिखाने के लिए। और ये भाई लोग अपने, ये भी ब्लॉगर हैं लग रहा है ऐसा, तो ये लोग भी ब्लॉगर हैं, तो ये लोग दिखा रहे हैं। और आ गए हम लोग मेला के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आप लोगों को एरिया दिखाया, ये एरिया है झूले वगैरह का, मतलब इस साइड में सारे झूले, जितने भी झूले हैं वो यहीं पे लगे हुए हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं घाट तरफ, जहाँ पे बाकी और भी मेला लगा होगा, तो वहाँ पे जाके दिखाते हैं। ये पीछे देख सकते हैं आप लोग झूले वगैरह। तो फ्रेंड्स, झूले की साइड में होने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अंदर घाट साइड में। तो यह है रास्ता अंदर जाने का, जो कि घाट साइड जाने वाला रास्ता। और भीड़ तो इतनी भयानक है ना, भीड़ तो हद ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और अभी कल से ही स्टार्ट हुआ है ये मेला, और अभी काफ़ी दिन तक चलेगा, लगभग 15 से 20 दिन मेला चलेगा ये। और यह है पान शॉप, जैसे ही आप एंटर होंगे मेन गेट से, सबसे साइड में पहले आपको मिलेगी पान शॉप, और फिर ये फालूदा वगैरह। मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से, और अभी बहुत अच्छे से वीडियो तो नहीं बन पा रही है, तो मैंने सोचा अभी फिलहाल इतना ही रहने देता हूँ, और बाकी जो डिटेल होगी वो मैं आगे, मतलब किसी और वीडियो में डिटेल में दिखा दूंगा, टाइम से आऊँगा, जिस टाइम भीड़ ना हो सुबह के टाइम में। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 6, और लोगों का आने का टाइम यही होता है, तो जब भी सुबह के टाइम में आऊँगा तब बनाऊँगा यहाँ की वीडियो ढंग से, और फिर बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अभी जो फिलहाल हम लोग वापस आ गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक तो टाइम गलत चूज किया था यहाँ आने के लिए। अगर आप घूमने आ रहे हैं तो, मतलब घूमने भी आ रहे हैं ठीक है, इतनी भीड़ में आना कोई पसंद नहीं करेगा। और वैसे भी मैं तो वीडियो बनाने के लिए आया था, आप लोगों को दिखाने के लिए, तो भीड़ इतनी ज़्यादा हो रखी है कि ऐसे में वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है। तो जितना हो पाया मेरे से मैंने उतनी वीडियो बना ली है, और बाकी किसी दिन और आऊँगा तो दिखाऊँगा ढंग से आप लोगों को। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं वापस, और अभी से इसे विक्रांत को जाना है घर, तो इसे छोड़ते हैं, इसकी जहाँ पे बस मिलेगी उसके बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो कुलपहाड़ जाने वाली बसें हैं, तो क्या है कि जो रूट है वो यहीं से जहाँ मेला लगा हुआ है वहाँ का है, वहाँ से मतलब बसें आती हैं कुलपहाड़ जाने के लिए रोडवेज से। तो फ्रेंड्स, सेठ को मैंने छोड़ दिया है विक्रांत को इधर गेट के पास, सिविल लाइन, ये सामने देख सकते हैं आप, यहाँ जो चेकिंग लगी हुई है, ये इसके साइड में लेफ्ट साइड से आती हैं बसें और सीधे चले जाती हैं, ये रोड गया हुआ है सीधा कुलपहाड़ के लिए। तो अब वो सेठ को मैंने छोड़ दिया, अब ये जाएगा, इसका टाइम हो गया घर जाने का, तो ये जा रहा है घर। ओके भाई, चलते हैं फिर। तो फिर
फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं महोबा से वापस और यह है कुछ नाइट व्यू यहाँ का, जो मेला मैंने अभी दिखाया था आपको। तो अभी रात के टाइम में, इस टाइम में, उस टाइम में आया था 6 बजे समथिंग, और अभी टाइम हो रहा है 8, और जो मेला है ये लाइटिंग वगैरह ऑन हो चुकी है और कुछ इस तरह से है मेले का व्यू। Thank you.